पार्टी का कैंडिडेट थोड़ी रहता है, पार्टी का कैडर थोड़ी रहता है, भाड़ा का आदमी रहता है। क्या करें, बेरोजगारी से झेल रहे हैं, हमारे देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरा में है। पैदाइशी पॉलिटिकल लाइन में है, अभी भले घरेलू लेडी थी, इधर भी हम लोग डाले कि बीजेपी में डाले कि आसू पार्टी में डाले, ये अभी हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी का मारेंगे, मार दिया कांग्रेस के। इक्कीस तारीख को रांची में जेएमएम के द्वारा उलगुलान रैली का आह्वान किया गया है। इसमें तमाम जो विपक्ष के नेता है इंडिया अलायंस के, वो उनके शामिल होने का अंदेशा है, उसमें शामिल होंगे भी। इस रैली को लेकर रांची में लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार है, वो जानने आए हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? अमरदीप। अमरदीप, अमरदीप, उलगुलान रैली के बारे में खबरें पढ़ रहे होंगे, 21 तारीख को होने वाला है। आचार संहिता में क्या पॉलिटिकल रैली हो सकता है? बिल्कुल, सवाल तो वाजिब है। हाँ, तो फिर रैली कैसे हो जाएगा? अच्छा, रैली के बारे में मालूम है, उलगुलान रैली के बारे में? नहीं, पता तो नहीं है, लेकिन जब आचार संहिता चल रही है, जब पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, तो फिर रैली का मतलब कहीं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रैली उचित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं रैली के बारे में? पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है, दावा किया जा रहा है। कोई बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। बहुत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि सरकार तो चल रही है ना ऑलरेडी यहाँ पे, तो क्या स्थिति है लोग तो देख रहे हैं, और बीजेपी भी आएगी ही अपनी रैली करने के लिए। अच्छा, सरकार झारखंड में उन्हीं की चल रही है विपक्ष की, तो रैली करने से कोई फायदा नहीं है? नहीं, फायदा तो थोड़ा बहुत होगा ही, इलेक्शन का टाइम है तो हर पार्टी तो अपनी अपनी रैली कर ही रही है, बट देखते हैं क्या होता है सर। तो बीजेपी भी तो रैली करेगी ना। अच्छा, जनता में भीड़ आ पाएगा विपक्ष के लिए? भीड़ तो आएगा, भीड़ तो आना चाहिए। अच्छा, रैली के बारे में जानकारी, फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा, पूरे पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है मंच पे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। कह रहे विपक्ष मजबूत होगा, एक साथ नजर आएगा, लोग खुश हैं, कुछ नहीं होगा, समय बताएगा। अच्छा, भीड़ दिखेगी रैली में? भीड़ से क्या फर्क पड़ता है, सब तो भाड़ा का आदमी रहता है, पार्टी का कैंडिडेट थोड़ी रहता है, पार्टी का कैडर थोड़ी रहता है, तो भाड़ा का आदमी रहता है, आपके साथ भी चला जाएगा, उसके साथ भी चला जाएगा, उसके साथ भी चला जाएगा, लोगों को तो पैसा है। उलगुलान रैली होने वाला है रांची में, जी, 21 तारीख को। जी जी, रैली का दमखम दिखा पाएगा विपक्ष? अभी तो उस तरह का नहीं लग रहा है, लेकिन रैली होने दीजिए, उससे पता चलेगा कितना है। रैली होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो बोल रहे राहुल गांधी आएंगे, लालू प्रसाद यादव, सभी बड़े नेता इस मैटर में नहीं बोल सकते, नो पॉलिटिक्स। लोग पॉलिटिक्स से आप परहेज करते हैं। आपका क्या नाम है अंकल? राकेश सिन्हा जी, विपक्ष अपने आप को एक एकजुट दिखाने का प्रयास कर रहा है, फायदा होगा चुनाव में, सभी नेता एक मंच पे होंगे विपक्ष के? हमको नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष बहुत बदनाम हो गया, जितना केजरीवाल और सब जितना बदनाम है अभी मोदी का ही। क्या करें, बेरोजगारी से झेल रहे हैं। अच्छा, एक रैली होने वाली है उलगुलान रैली रांची में 21 तारीख को विपक्ष के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो उसके बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी है। क्या लग रहा है रैली के बारे में, क्या सोच रहा है? ये होना चाहिए, होना चाहिए विपक्ष। हाँ, विपक्ष तो होना चाहिए, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारे देश का लोकतंत्र बिल्कुल खतरा में है। लोकतंत्र खतरे में? एकदम खतरा में है, विपक्ष होना चाहिए, बिना विपक्ष के कैसे होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो होना चाहिए ना, वरना एक फ्लो में जाएगा करंट, बिना नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल। विपक्ष गर्म ठंडा होता है तभी तो बिजली जलता है, माइनस प्लस होता है तभी तो बिजली जलता है, बिजली जलना लेकिन माइनस प्लस चाहिए ना, तार जो होता है ठंडा होता है गर्म होता है तभी तो बिजली जलती है। क्या चाहेंगे आप, आपके मन में क्या मुद्दे चल रहे हैं जो विपक्ष को उस मंच से बोलना चाहिए? विपक्ष को क्या बोले, विपक्ष के कुचला जाता है, हम तो यही देखते हैं, विपक्ष को कुचल दिया जाता है। जब भी विपक्ष कुछ करना चाहता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। पहला मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, चरण सीमा पे है, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, लोग त्रस्त है, साधारण आदमी के लिए जीना मुश्किल है। उलगुलान रैली होने वाला है 21 को। हाँ, वो मतलब कि सक्सेसफुल होगा? अब वही तो नहीं कहा जा सकता सक्सेसफुल होगा नहीं होगा,
क्योंकि विपक्ष हर जगह एकजुट दिखा रहा है। कल्पना सुरेन भी कई जगह जा रही है, दिल्ली गई, महाराष्ट्र गई, विपक्ष के नेता नहीं है। कोई भी पक्ष हो अपना पक्ष तो रखेगा ही, अपना पक्ष तो रखेगा ही, लेकिन वो तो आवाम डिसीजन लेगी कि किसके पक्ष में क्या करना है। भीड़ नजर आएगी, भीड़ तो आएगी क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी के पक्ष में आएगा ही आएगा। कल्पना सुरेन बड़ी नेता उभर के सामने आ रही है, तमाम जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है उसमें बड़ा चेहरा बन रही है, उनका फ्यूचर कैसा लग रहा है? फ्यूचर तो पॉलिटिकल, देखिए वो पैदाइशी पॉलिटिकल लाइन में है, अभी भले घरेलू लेडी थी लेकिन अब तो पॉलिटिकल में आई है, हस्बैंड का जेल जाने के बाद में तो पॉलिटिकल उसका अपना पकड़ तो है अपने एरिया में। कल्पना सुरेन मतलब एकदम मंच पे सबसे आगे रहने वाली है, उम्मीद यही है बड़ी नेता बन के उभरेंगी वो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। महिलाओं को क्या अपेक्षा है कल्पना सुरेन से? ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचती है आगे, हाँ आगे चल के कुछ करेगी तो अच्छा है, आगे चल के कुछ करेगी तो अच्छा है। अच्छा। अगर डिसीजन मेकिंग जगह पे पहुंच गई कल्पना सुरेन तो महिलाओं को थोड़ा प्राथमिकता मिल सकता है तो खुश है। हाँ। क्या जानकारी रहती है कल्पना सुरेन के बारे में आपको? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं ज्यादा जानकारी नहीं उनके बारे में, लेकिन खबरों में उनको पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत देखते हैं, खबरों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। हाँ। अच्छा, विपक्ष के सभी नेता एक मंच पे आने वाले हैं, राहुल गांधी भी आ सकते हैं, केजरीवाल तो जेल में है, वैसे उनकी पत्नी शायद आ सकती है, लालू यादव, रैली बड़ा लग रहा है, उम्मीद है एकदम जान आ जाएगा विपक्ष में, एकदम आने का तो चांस है। देखिए अब बाकी बात अब जो मेहनत करेगा उसी में, जो मेहनत करेगा रंग आपे करेगा। हमारे माननीय राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्ट है जिससे कांग्रेस की सरकार आ सकती है, गठबंधन की सरकार। जनता की मांग है ये रैली? हाँ, हम भी जनता और हम लोग का तो मांग है। अच्छा, आप जनता हैं, आपकी मांग है कि रैली हो? रैली हो। क्या क्या उम्मीद है रैली से? देखिए पहला मुद्दा है कि जो अभी सरकार चल रही है और जो अभी हुकूमत जिनके अंदर में है, पहला तो जो हम लोग हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी बने, जातिवादी में ना बटे, बस यही ज़्यादातर मांग है, यही मांग। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किसको मारना है। अच्छा। हाँ, वोट किसको मारना है, ये अपने ही में लोग इधर उधर हो रहा है तो क्या बोला जाए, कि हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इधर भी हम लोग डाले कि बीजेपी में डाले कि आसू पार्टी में डाले, ये अभी हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस बैनर के तले में हम लोग काम करें, क्योंकि नेता लोग इधर उधर कर दे रहे हैं। जी गड़बड़ा दे रहे हैं, पूरा बिल्कुल पूरा। तो कैसे तय करेंगे किसको देना है? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग करें, इससे अच्छा है कि मैंने यही हम लोग निर्णय किए हैं कि जो नया कैंडिडेट कोई उठेगा उसी को हम लोग देंगे, हम लोग बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं बस। अच्छा, बीजेपी को नहीं देना चाहते? नहीं। तो विपक्ष को तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा है। तो 21 को विपक्ष रैली कर रहा है? बिल्कुल। क्या मुद्दे उठाना चाहिए विपक्ष को? देखिए, हम लोग को लाभ मिलना चाहिए, हम लोग तो सीट लेके लड़ना नहीं है, जनता को भलाई होना चाहिए, जनता का विचार होना चाहिए, जो सिटी है उसको सिटी का होना चाहिए, इंदिरावास है वगैरह वगैरह जितना भी है फंडिंग होना चाहिए, और हम लोग को क्या चाहिए, एक से एक नेता लोग हैं पैसे पकड़ा रहे हैं, दुनिया भर के ये हो रहा है, एक गरीब का मसीहा बनकर दान पुण्य करते तो बहुत अच्छा लगता है। अब रैली हो रहा है, बड़ा रैली है, अब जिस बेसिस पे हो रहा है अगर उस बेसिस पे अगर पब्लिक मानते हैं कि हाँ ये सही है तो आपका ठीक हो सकता है, और अगर पब्लिक ही नहीं मानते हैं, जानते हैं यहाँ शासन चलता पब्लिक का ही, जिनका जो चीज़ रहेगा वही आपका सब कुछ हो पाएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं रैली का क्या नतीजा होगा वो आपको बाद में पता चलेगा, इस बारे में हम बोल नहीं सकते, पॉलिटिकल इशू में जैसा होता है हम लोग मिडिल क्लास लोग पब्लिक क्या जानेंगे पॉलिटिकल बारे में ठीक से। अच्छा, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद JMM कमजोर हुआ है विपक्ष या फिर मजबूत हो रहा है? जी नहीं, वो तो कमजोर ही हुआ है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कमजोर हो गया है। जी, कल्पना सुरेन तो हर जगह जा रही हैं। जी, कर ही रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, महाराष्ट्र सब तरफ देखा जाए तो सब कोई एक जैसा नहीं बन सकते हैं। अब जो वैसा वो थे वैसा वो उनका वर्चस्व था, अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं आ सकते हैं, बात यही पे है, उनका जगह नहीं ले पाए। जी, हो सकता है कहेंगे जा रहे हैं बीजेपी का मारेंगे, मार दिया कांग्रेस के। नहीं तो आप जो हकीकत बताइए किसको मारिएगा? हम काहे बताएंगे अपना जी की बात।
क्या बताएंगे आपका आपका खाना खाना खिला रहे हैं कि आपको बता दें हम इनको बताना काम है हमें मेरा कहना काम है बिल्कुल समझ ना इनको बताना ये कौन बढ़िया पार्टी है बताइए जो जो नेता चला है वही बढ़िया है अभी जो चला रहा है कैसा है कैसा है अभी तक तो ठीक था ठीक रोड बनवाया बिजली दिया पानी दिया राशन दिया गैस दिया विद्यालयों को पेंशन दिया तो उसी को ना मान मान मन सत्कार होगा कल्पना सुरेन के बारे में क्या सोचते हैं आप हम इतना जानते हैं वो शिक्षित महिला है जागरूक है और महिलाओं के बारे में वो कुछ कर सकती है अच्छा तो महिलाओं की ये उनसे मतलब कि नीड है हाँ मतलब अब हमको उतना नहीं पता जो नहीं हिम्मत नहीं कर पाए हैं शायद हमको लगता है होगा जो अभी उसको पछतावा होगा जो पूरा नहीं कर पाए हैं तो शायद वो कर पाएगी अच्छा कल्पना सुरेन से ये उम्मीद है हाँ उम्मीद अच्छा उनके बारे में कैसे जानते हैं आप मतलब कैसे खबरें मिलती है उनसे अभी तक तो जितना देखे हैं उसका अच्छा रहा अच्छा सोशल मीडिया पे देखते हैं उनको हाँ देखते हैं उनका भाषण उसका बात करने का भी लैंग्वेज अच्छा रहा बताने का कोई भी चीज़ का जैसे रैली में देखते हैं उसका बहुत ज़्यादा भीड़ उड़ भी होता है लगता है शायद अगर प्रचार कर पाएगी तो फिर हो जाएगा तो हेमंत सोरेन की वाइफ हैं और अभी राजनीतिक में सक्रिय होने जा रही हैं और हो सकता है चुनाव भी लड़ी जी हो सकता है चुनाव भी लड़े आप बिहार से हैं जी हाँ सर जानकारी है कैसे पहुंच रही हैं स्टूडेंट हैं पहुंची जाती है इंस्टाग्राम का ज़माना है फेसबुक का ज़माना है और आप लोग हैं ही पहुंचाने वाले अच्छा सोशल मीडिया से बहुत पहुँच रही हैं आज बिल्कुल सर अखबार तो आजकल लोग कम पढ़ते हैं लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपडेट रखते हैं तो इसलिए पता चलता है उनका फ्यूचर बाहरी राज्य के लोगों के लिए कैसा लग रहा है वो सफल नेता बन पाएंगे हेमंत सोरेन का जगह ले पाएंगे देखिए नेता तो वही होता है जो गरीब तलके से उठ के आया ऊपर बनता है वही नेता बनता है अब जिसको सुख सुविधा इतना मिला हुआ है वो गरीब का जनता का क्या जानेगा क्या हाल है लेकिन है अच्छी अब देखिए अब तो उनके ऊपर ही है कैसा काम करती हैं बिल्कुल तो ये जो लोग हैं वो कल्पना सोरेन के बारे में जानकारी रख रहे हैं कई लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि अभी उनकी राजनीति में एंट्री अभी हाल ही में हुई है तो लोग अभी उनके बारे में जान रहे हैं बात रही उलगुलान रैली की तो उसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है जिन लोगों को है उनकी उम्मीदें हैं कि विपक्ष जो है वो जन कल्याणकारी जो मुद्दे हैं उसे उस मंच से उठाने का काम करे फिलहाल के लिए बस इतना ही धन्यवाद